हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम इसका फोल्डिंग, जो कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हो, इसका फोल्डिंग जिसे हम हिंदी में मचान या पार्ड भी कहते हैं। तो इसका फोल्डिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? इसका फोल्डिंग की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपकी जैसे 1.5 मीटर तक हाइट है, जैसे उस तक तो आपका जो लेबर है, मेसन है, आपका काम कर सकता है। मतलब यदि उससे 1.5 मीटर या हम बात करें लगभग 5 फीट से ज़्यादा ऊपर का वर्क करना हुआ तो उसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो अच्छे से उस पर बैठकर अच्छे से अपना काम कर सकता है, इजीनेस हो उसके वर्क में, तो हमें इसका फोल्डिंग लगानी पड़ती है। इसका फोल्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पढ़ते हैं, लेकिन आज हम ब्रिक लेयर जब करते हैं वॉल की, वो कौन सी इसका फोल्ड लगाते हैं, ब्रिक लेयर इसका फोल्ड, और जब स्टोन की करेंगे, स्टोन मसोनरी, तो स्टोन मसोनरी इसका फोल्डिंग हम यूज करते हैं। इसको मेसोन इसका फोल्डिंग भी कहते हैं, इसको डबल स्कैफोल्डिंग भी हम नाम से जानते हैं, स्टोन मसोनरी स्कैफोल्ड को। अच्छा, और इसमें टाइप्स आते हैं जैसे कि नीडल स्कैफोल्डिंग हो गई आपकी, और सस्पेंडेड नीडल स्कैफोल्डिंग हो गई आपकी, इसमें टाइप आते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज हम यहाँ पर दो की केवल डिस्कस करेंगे, इससे आगे वाले नेक्स्ट बात करेंगे ताकि आपको इस अच्छे से समझ आ सके इसकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे कि बॉल है ये आपकी ब्रिक बॉल, ठीक। इसमें सबसे पहले आप क्या करती हैं, सबसे पहले वर्टिकली जो आपकी वुडन की, जिसे आप हिंदी में बल्ली कहते हो, तो वुडन की वर्टिकल मेंबर लगा दिए जाते हैं यहाँ पर, जिन्हें हम स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निकल टर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि इसका फोल्डिंग के वर्टिकल मेंबर को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक, अब हमने स्टैंडर्ड्स लगा दिए, अब स्टैंडर्ड जो लगाए उनको सपोर्टिंग के लिए हमें लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ सपोर्टिंग स्टैंडर्ड को दे दी, या हम इसे कहते हैं ब्रेसेस हमने लगा दी ताकि स्टैंडर्ड हमारे सपोर्ट हो सके। ठीक, यहाँ पर इसके जो स्टैंडर्ड लगाए वो वॉल से आपके 75 to 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम लगाते हैं, जो वर्टिकल मेंबर है स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है दोस्तों, और जो स्टैंडर्ड हैं, जैसे आप स्टैंडर्ड हैं, तो एक स्टैंडर्ड ये हो गया आपका और एक स्टैंडर्ड ये हो गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस हम रखें 2.5 से 3 मीटर डिस्टेंस हम रखते हैं दो स्टैंडर्ड के बीच में। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड लगा दिए 75 टू 90 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल डिस्टेंस रहेगी इनकी, और दो स्टैंडर्ड के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रहेगी, वो रहेगी 2.5 मीटर से 3 मीटर। ठीक है, ये लगा दिए हमने। अब ये जो स्टैंडर्ड है इनसे परपेंडिकुलरली, मतलब कुछ हिस्सा उसका बॉल में भी जाएगा जो हम वुडन मेंबर लगाएंगे हम, और कुछ हिस्सा उसका इससे बांधेंगे हम स्टैंडर्ड से विद द रोप, रस्सी की सहायता से। जो हॉरिजॉन्टल हम मेंबर लगा रहे हैं उनको हम फुटलॉक कहते हैं, जनरली 2.5 मीटर लॉन्ग रहती है, इसका कुछ हिस्सा बॉल में चला जाता है और कुछ हिस्सा हम स्टैंडर्ड से विद द रोप यहाँ नोट कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं यहाँ। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये लगा दिए, ये पुटलॉग है, ये स्टैंडर्ड है आपके। अब यहाँ जो इसके जैसे बोर्ड में देखें हम, ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसके जो पुटलॉग है, पुटलॉग से नीचे हम देखें यहाँ पर, ऐसे देखें हम यहाँ पर, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड वर्टिकल मेंबर, ये हॉरिजॉन्टल आपका पुटलॉग हो गया। अब जो इसके
जाएगा परपेंडिकुलरली किसके पुटलॉक के, इन्हें हम कहते हैं लेजर, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लेजर, ये जो बांध दिए जाते हैं रस्सी की सहायता से, तो इन्हें हम कहते हैं लेजर। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का एक सिरा तो या लेजर पर टिका रहता है और दूसरे पुटलॉक का, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपके पुटलॉक हो गए, तो एक जी पुटलॉक है ना आपका, तो एक सिरा तो आपका इस पर टिका हुआ है लेजर पर, ये आपका लेजर है, ठीक है, और एक एक हिस्सा ये वाला बॉल में जा रहा है और एक हिस्सा यहाँ लेजर। तो लेजर मेनली हम बात करें तो पुटलॉक के सपोर्टिंग मेंबर हम कह सकते हैं लेजर को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पुटलॉक पर हम वर्किंग प्लेटफॉर्म बना देते हैं, या जैसे हम जैसे चल्ली चैली कहते हैं, तो वो जनरली बांस की बनी हुई होती है, तो यहाँ वर्किंग प्लेटफॉर्म हम लगा देते हैं। यहाँ पर हम वुडन के जो बड़े बड़े प्लैंक आते हैं, तख्ते आते हैं, उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका टो बोर्ड रहता है यहाँ पर, ये GL है आपका, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से, और ये बॉल का आपका कंक्रीट का ब्लॉक है, ये बॉल है आपकी, अंडर कंस्ट्रक्शन बॉल है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टोन मशीनरी स्कैफोल्ड की। जनरली स्टोन के लिए हम अलग से, हम इसको भी तो प्रोवाइड कर सकते थे, नहीं, क्यों, क्योंकि स्टोन में जैसे आप इसको सपोर्टिंग करोगे, जो आपके पुटलॉग हैं उनको कुछ बॉल में लगाओगे, ब्रेक के केस में लगा रहे ना, ब्रेक लेंगे हम जब कर रहे हैं, ये आपके देखिए पुटलॉग जो मेंबर है अंदर जा रहे हैं बॉल में। स्टोन में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोन में अगर हमने होल किया उन्हें लगाने के लिए पुटलॉक को, तो उसमें क्या होगा, बाद में जब हम इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे स्कैफोल्डिंग को, तो स्कैफोल्डिंग को रिमूव करेंगे तो स्टोन में क्या है, जो उसकी स्टोन मशीनरी है उसको फिल करना काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है काम ये, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं स्टोन मशीनरी स्कैफोल्ड के लिए डबल स्कैफोल्डिंग, या हम जैसे कहते हैं मैसोन स्कैफोल्डिंग। तो इसमें आप जा सकते हैं, जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका नीचे कंक्रीट ब्लॉक हो गया वॉल का, इसमें क्या करते हैं हम, दो आपके स्टैंडर्ड लगते हैं, एक रो में दो स्टैंडर्ड लगेंगे ऐसे करके, ठीक है। स्टैंडर्ड पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ हम 1.5 से 2 मीटर की डिस्टेंस पर पुटलॉक लगा देते हैं, जैसे ये आपके स्टैंडर्ड हो गए, यहाँ पुटलॉक आया, फिर एक यहाँ पुटलॉक आया, एक यहाँ पुटलॉक आया, ठीक है। अब जो पुटलॉक है, तो पुटलॉक जैसे कि ये आपका स्टैंडर्ड और ये आपका पुटलॉक है, उसी की तरह यहाँ पर हम लेजर लगा देंगे, पुटलॉक को सपोर्टिंग मेंबर की तरह यूज होगा ये लेजर, ठीक है, इसको लेजर कहेंगे। जो ये जो अब स्टैंडर्ड है, ये पुटलॉक तो आपके अंदर नहीं गए, तो इन्हें सपोर्टिंग के लिए कुछ चाहिए, स्टैंडर्ड वर्टिकली इरेक्ट कैसे हो पाएंगे, सीधे कैसे खड़े हो पाएंगे, तो उसके लिए हम सोरिंग करते हैं। आप जनरली पढ़ते हो जब हम फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए या किसी भी डैम वगैरह के लिए, तो हम वहां पर शोरिंग करते हैं, जिससे कि जो आपकी फाउंडेशन की वॉल की जो सॉइल है वो आकर फाउंडेशन में ना गिरे, तो इसलिए हम शोरिंग प्रोवाइड करते हैं, इसको हम हिंदी में टेक बंदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने शोर लगा दिया, जिससे कि आपकी ये स्टैंडर्ड वर्टिकली इरेक्ट मतलब विद स्टैंड कर पाए, खड़े हो पाए सीधे। आई होप दोस्तों ये आपको फिगर के थ्रू हमने समझाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स हमें सजेस्ट करें, और अगर हम थोड़ा बहुत भी आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। इससे आगे के टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।